नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया एजुकेशन के इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे हर कंपनी अपनी बैलेंस शीट मेंटेन करती है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि बैलेंस शीट के अलावा और ऐसे कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि हर कंपनी को मेंटेन करने पड़ते हैं। दोस्तों, कंपनीज एक्ट के अनुसार हर कंपनी को ये सभी अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली बारी आती है बैलेंस शीट की, जो कि हर कंपनी को बनानी होती है। उसके बाद आता है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, फिर उसके बाद आता है कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बाद बारी आती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की, और फिर सबसे आखिर में आते हैं एक्सप्लेनेटरी नोट्स। दोस्तों, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट उसकी कंप्लीट फाइनेंशियल पोजीशन दिखा देती है, क्योंकि बैलेंस शीट में कंपनी की सारी एसेट्स और उसकी सारी लाइबिलिटीज़ की पूरी जानकारी होती है। यानी आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देखकर यह पता लगा सकते हैं कि उसके पास इस वक्त कितनी संपत्ति है, और साथ ही साथ ये भी जान सकते हैं कि उस वक्त उस कंपनी ने किन लोगों से कितना कर्ज ले रखा है। दोस्तों, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को और ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए और उन्हें अच्छे से एनालाइज करने के लिए हमें कुछ टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि हमें कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने आपको यहाँ उन सभी टूल्स की पूरी लिस्ट दे रखी है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, जब कभी भी हम लोग बैलेंस शीट में या फिर किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस साल के और पिछले साल के सभी बैलेंसेस साथ में लिखते हैं, तो उसे ही हम लोग कंपैरेटिव बैलेंस शीट स्टेटमेंट कहते हैं। दोस्तों, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोनों ही साल के सारे बैलेंसेस आपको साइड बाय साइड देखने को मिलते हैं, ताकि आप उन दोनों ही फिगर्स को देखकर यह डिसाइड कर पाएं कि कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना प्रॉफिट कमाया और कितना टर्नओवर किया। दोस्तों, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि आपको दोनों ही सालों के सारे अमाउंट्स एक साथ दिख जाते हैं और आप बड़ी ही आसानी से उन दोनों ही अमाउंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में, और साथ ही साथ जाना कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में। और अब इस टॉपिक से हटकर मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग किसी अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो आप अपने CV या रिज्यूमे मुझे भेज सकते हैं, और मैं आपको एक अच्छी सी जॉब दिलाने में आपकी पूरी मदद करूँगा। दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप अपने ही शहर में जॉब कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप किसी बड़े शहर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, इन सभी बड़े शहरों में भी जॉब कर सकते हैं। दोस्तों, आप पूरे इंडिया में जहाँ चाहें वहाँ जॉब कर सकते हैं, और मैं आपको पूरे इंडिया में हर जगह जॉब दिला सकता हूँ। तो दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8090513041, और आप अगर चाहें तो इसी नंबर पर मेरे साथ बात भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप सब अपने CV या रिज्यूमे मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए इसी नंबर पर भेजें, या फिर अगर आप चाहें तो आप अपने CV या रिज्यूमे मुझे फेसबुक के ज़रिए भी भेज सकते हैं। दोस्तों, मैंने अपने फेसबुक पेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और इस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। और तो और दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको अपना करियर चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर आप ये डिसाइड न कर पा रहे हो कि कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो आप मेरे साथ अपने करियर से जुड़ी हुई सभी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं, और मैं आपके करियर से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी पूरी मदद करूँगा। दोस्तों, आप अपने करियर से जुड़ा हुआ हर सवाल मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप या फेसबुक के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8090513041। दोस्तों, आप सब इसी नंबर पर अपने सारे सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, फिर चाहे वो सवाल आपकी एजुकेशन का हो या आपकी जॉब का। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आप सबसे फिर मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।